जो आरक्षण की बात हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अभी कहे हैं, मैं ये कहना चाहते कि महिला आरक्षण 1989 में जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने, लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी एक तिहाई आरक्षण के लिए। राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है, प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखा था कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं, सर हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था, कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है। अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए, एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज, मैं आगे कहता हूँ, आप बैठ जाइए, मुझे पूरा तो करने, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, कल्याण जी, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है। मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए। और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल